तो गाइज हम आज जा रहे हैं गाइज मुझे हंसी आ रही है बहुत। हेलो गाइज, हम सब जा रहे हैं बुमखल। मैरिज। अरे भाग्य इतना छोटा यार, 12 में। प्यारी जन्मभूमि मेरो पहाड़ा, हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों में आप सभी का स्वागत है। तो एक नया दिन की शुरुआत हो चुकी है और मेरे साथ है रोहन भाई। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? बुमखल का मंदिर जाने वाले हैं, ये देखो पूरी जाने वाले हैं, तो देखते हैं। मैं भी गया नहीं हूँ, आज पहली बार जा रहा हूँ। कि यहाँ की जो खूबसूरती है काफ़ी प्यारी है, ये देखने को मिलेगा आपको। और अभी दोस्त लोग भी आ रखे हैं, उनसे मिलाएंगे, बाकी मंदिर के दर्शन करेंगे। फाइनली हमारा बीएड भी कंप्लीट हो चुका है। रमन भाई, बीएड कंप्लीट होने की बहुत बहुत बधाई आपको। आपको भी सर। और आने वाले भविष्य की आपकी शुभकामनाएं, आप बहुत अच्छा करो। करण का नाम है? करण। हेलो करण, मनोज हाउ आर यू? फाइन। आज पेपर था? किस चीज़ का पेपर था? क्या सर? बहुत अच्छा। अच्छा, पक्का? गप मार के आ गए। तो गाइस चल लेते हैं मंदिर में और दिखाते हैं आपको आज कुछ स्पेशल चीज़ें। बच्चों से थोड़ा सा बातें की हमने, अच्छा लगता है बच्चों से। अब टीचर बन चुके हैं ना, तो बातें करनी पड़ती है। शिक्षक की प्राप्ति तो हमें हो ही गई लगभग, है ना। और अब बस ये है कि कुछ बनना है। तो गाइस बस फाइनली कुछ ही सेकेंड का सफ़र है और पहुँचने वाले हैं हम। ये रहे हमारे दोस्त, सामने से दिख रहे होंगे आपको। गाइज अभी पहुंच चुके हैं मंदिर के गेट पे और दोस्त लोग भी आ चुके हैं। तो देखिए नरेश भाई हमारे साथ, ये हमारे बहुत प्यारे मित्र हैं और इनसे मैंने कहा था कि आपके साथ हम घूमने जाएंगे, रात सच में आ गए हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आपकी कल पार्टी है सर? हाँ कल पार्टी। कल तो हमारे दोस्त लोग, ये हमारे जूनियर है, हाँ लास्ट है, रसीने लग रहे हैं। हेलो दीक्षा, वही तो बात है। ये दीक्षा चैनल सब्सक्राइब मत करना, बस यही बोलोगे तो लाइक करना। मेरे दुश्मन है ये, आगे जाओ। लाइक मत करना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। चलो चलो सब्सक्राइब। मेरी दादी की तरह बोलने लग गए क्या? तो गाइस सीरियसली मैं आपको बता दूं, जब यहाँ पे मेला होता है तो बहुत भीड़ होती है। और पिछली बार मैं मेले में फंस गया था यहाँ। इतना मतलब आपने ब्लॉग देख ही दिया होगा, जिन्होंने नहीं देखा हो जाके देखो। तो गाइस आज का हमारा प्लान था कि हम घूमने आए और आ रहे हैं, जा रहे हैं किसी और के साथ और पहुंच गए किसी और के साथ। यही तो था। तो गाइस मेरा प्लान था दूसरी जगह जाने का, पर हुआ ऐसा कि दीक्षा का फोन आया, उन्होंने कहा कि घूमने चलो, और वहाँ का प्लान कैंसिल हुआ, फिर यहाँ आना पड़ा। तो गाइस यहाँ पे बैठने के लिए बना रखा है, ये देखो। और ये देखो यहाँ से कितना खुला एरिया देखने को मिलता है, पूरा एकदम खुला है। गाइस हम ये कैमरा नरेश भाई को देते हैं, नरेश भाई ब्लॉग करेंगे आज, है ना। अपने थोपड़े पे लगाओ इसको। हेलो, ये है नरेश। नरेश भाई बोलो ना यार। तो गाइस हम आज जा रहे हैं बुमखल कालिंका माता के शरण में। है हमारी छोटी बहन रेखा। रीटा को मैं कैमरा देना चाहता हूँ और रीटा ब्लॉगिंग करेगी। लो रीटा जी। हेलो गाइस, हम जा रहे हैं बुमखल का। मुझे हंसी आ रही है बहुत ज़्यादा। यहाँ पे हमने पिछली बार वो किया था नाश्ता। और ये है रमन भैया। भैया पंडित जी कुछ बोलिए। हमारे नरी भाई और नीरज सर। नीरज कल इनको मेरी भाषा समझ में नहीं आ रही। गाइस मैं उर्दू में बोल रही हूँ क्या? कमेंट में जरूर बोलिए, मैं उर्दू में बोल रही हूँ या हिंदी में या गढ़वाली में। तो गाइस अब कैमरा जाएगा दीक्षा मैम के पास और दीक्षा मैम आएंगे अब ये। हेलो गाइस, हम सब जा रहे हैं बुमखल। अपना थोपड़ा तो दिखाओ ढंग से। थोपड़ा दिखा लेके जो हेलो बोलो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। अब रमन जी थोड़ा सा ब्लॉगिंग करेंगे। सर्वे जनानां हार्दिक स्वागत अभिनंदनम। मैं रमन जोशी जयपुर, मैंने थोड़ा बहुत बनाई थी। ये हमारे साथ वाले बीएड के सारे
हम फोर्थ सेमेस्टर वाले हैं, इसमें से कुछ सेकंड सेमेस्टर वाले। तो अभी हम मंदिर में पहुंचने वाले हैं और उसके बाद थोड़ा बहुत मंदिर में प्रसाद वगैरह पूजा करेंगे। नीरज भाई धन्यवाद, और इन्हीं के कहने पे हमें ब्लॉग बना रहे हैं। अपने जीवन में बहुत सारी उन्नति करो, आज आपके साथ मज़ा आ रहा है नीरज से अलग अलग। नरेश भाई और आज हम आपके साथ बहुत मज़ा आ रहा है, आज हम बहुत इंजॉय करेंगे माता के दर्शन करने के बाद। जय बुनखाल देवी माता। वीडियो शूट कर रही हूं। अभी हम पहुंच चुके हैं बुनखाल काली माँ के मंदिर में। पिछली बार कितने घंटे लगे थे, इस बार जल्दी पहुंच गए। वैसे फोटो शूट भी चल रहा है। हमारे साथ दो जने और थे, दीदी और भैया। दीदी और भैया, दीदी और भैया, भैया भाभी कुछ भी बोल सकती हूँ, ऐसी बात नहीं है। यहाँ का व्यू देखिए गाइस, अलौकिक। तो गाइस फाइनली हम मंदिर में पहुंच चुके हैं और बुनखाल काली माता का मंदिर बहुत प्यारा मंदिर है। वो इतना लड़ो था 6 साल और गौरव जगह चल के जंगल, तुम्हें लड़का गौरव चल के मुझा फटे फटे कपड़े लफड़ा। तो गाइस इस कहानी के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था और आज थोड़ा बहुत पंडित जी ने भी संक्षिप्त में बताया। तो प्राचीन घटना है और छोटी बच्ची है वो ही देवी का, देवी माता का रूप बनी और तब से मतलब यहाँ पर काली माता की मतलब पूजा होती है। और इसके बारे में हमें जितने भी चीज़ें पता है वो हम लोग शेयर करते हैं, बाकी रियल घटना क्या है वो उसी टाइम जो लोग रहे होंगे उनको पता होगी, और जो भी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं हम उसी को लेके चलते हैं। बाकी हमारे भारत की बात करूँ या फिर मैं अपने उत्तराखंड के मंदिरों की बात करूँ, बहुत सारे जो मंदिर हैं उनमें कुछ ना कुछ घटनाएँ होती हैं और कुछ ना कुछ उनके पीछे की कहानी होती है जिसके कारण उन मंदिरों का निर्माण किया जाता है। तो ऊपर भी जा रही हूँ क्योंकि हमारे और दोस्त लोग वहीं पे बैठे हैं, मैं आपको बताती हूँ। ऊपर जा रही हूँ, यहाँ से गाइज अच्छा व्यू दिखता है नीचे की ओर। तो गाइज मेरी शक्ल इस पे नहीं दिख रही है क्योंकि मेरी हाइट छोटी हो गई और भैया कुछ ज़्यादा लंबे हो गए। यहाँ देखिए, अपने को दिखाओ, मुझे मत दिखाओ यार। जी का व्यू देखिए, धूप की वजह से साफ नहीं दिख रहा पर अच्छा है। तो पिछली बार मैंने आपको दिखाया था ये वाला मंदिर और फिर से मैं दिखाना चाहूँगा। तो ये भी छोटा सा मंदिर है जो दूर से दिखता है काफ़ी ज़्यादा, और ये है वो मंदिर। और यहाँ पे हमारे फ्रेंड्स भी आ चुके हैं, देखिए यहाँ पर चल लेते हैं और प्रणाम कर लेते हैं एक बार। और हमारे भक्त आ गए हैं, कालिका माता की, कालिका माता की जय जय। तो अभी हम यहाँ पे आए हैं और देखिए यहाँ पर व्यू तो देखिए कितना प्यारा व्यू है। रमन भाई आ जाओ, कितना अच्छा व्यू आ रहा है पीछे का देखो। तो गाइस फाइनली देखो, फाइनली ये पहुंच गए बुनखाल। अच्छा है पीछे से देखो गाइस, सबसे मेन बात है कि यहाँ पे ना प्यारी ठंडी हवा चल रही है एकदम फ्रेश वाली। गाइस यहाँ पे हम एक छोटा सा सेलिब्रेशन कर रहे हैं और रवीना जी हैं, उनकी एनिवर्सरी आ रही है तो हम सोच रहे हैं उनको मतलब एनिवर्सरी में एक केक काटा जाए उनके लिए। और यहाँ पर केक भी है, दिखा देते हैं। हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी, मैरिज, बहुत बहुत बधाई आप दोनों को, सदा आप लोगों की जोड़ी सलामत रहे। तो गाइस सेलिब्रेशन हो गया है यहाँ पे, एक बहुत अच्छी पार्टी थी ये छोटी मोटी, और अब हम केक खाएंगे तो काफ़ी मज़ा आया हमें। इस फाइनली हमारी पार्टी हो चुकी है और अभी सब नीचे चल रहे हैं, पूरी घास हो रखी है यहाँ पे। पिछली बार यहीं पे लगा था टेंट और प्रीतम वर्तमान जी आए थे तो यहीं से उन्होंने मतलब गाने का आरम्भ किया था। छोटी मोटी पार्टी हो गई है, देखिए छोटी मोटी, अब बहुत बड़ी होने वाली है। बड़ी वाली पार्टी कब होगी हमारी, करवाएंगे। चलो कोई नहीं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, खा पी पी क्या। चलो तो गाइस फाइनली हम लोगों ने पूजा वगैरह कर दी है और अब प्रदीप सर भी आ चुके हैं नीचे से,
प्रदीप सर, जय हो, कैसे रहे आपकी यात्रा? जय भोपाल काली। आज आपसे फिर एक बार और मुलाकात हो गई। जरूर जरूर, अभी तो बहुत मुलाकातें होगी भाई, जीवन बहुत लंबा है मेरे भाई, इतनी जल्दी स्किप थोड़ी ना करेंगे, मुलाकातें मुलाकातों का दौर तो चलता रहेगा। तो गाइस काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं, रील बन रही है, वीडियो बन रही है, फोटो खींच रही है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। नरेश भाई देखो, कभी फोटो बना रहे हैं, कभी वीडियो बना रहे हैं, कभी रील बना रहे हैं। गाइस भैया लोग जा रहे हैं नीचे और हम लोग जाएंगे गाड़ी में, बाकी जा रहे हैं पैदल। और यहाँ पे बच्चे हैं कुछ इंटर कॉलेज के, सारे स्टूडेंटों की छुट्टी हो गई है। कौन से स्कूल है यार भाई, सनमार हो क्या? बच्चे यहाँ किसने पढ़ाया था, तुम में से किसी ने पढ़ाया था? मैं राजकुमार टीचर, नमस्ते। नहीं करना वेरी गुड। पेपर दे दिया, क्या चल रहा है इंटरनल? थमाई करना। तो गाइज अभी निकल लेते हैं और टाइम भी हो गया और एंजॉय भी काफी ज्यादा हमने किया। मैं दिखा कौन है इधर? अरे सर, अरे भाग्य इतना छोटा यार, 12 में एज कितनी है उसकी? 16 सर, 15 बहुत छोटा है। राइट में 8 साइड वाला है। सारे बच्चों ने मुझे घेर लिया, मारोगे तो नहीं तुम लोग मुझे? नहीं, ये भी सर अच्छे होंगे। नरेश भाई बोले फिर मिलते नीचे, चल यार ओए, पार्टी है ना वहां पे, जल्दी चलो। चलो ठीक है दोस्तों, अच्छा लगा। नीरज नीरज बिस्ट ब्लॉग। ओके बाय कर दो एक बार जोर से चिल्ला के। तो गाइस फाइनली अभी नीचे चल लेते हैं। तो गाइस अभी एक बहुत प्यारी जगह में आ गया है और यहाँ से बहुत प्यारा सीन दिख रहा है। ये देखो नयार दिख रही है, नयार, ये हमारी प्यारी सी राठ की नयार, और इन सब की यादें हम अपने साथ ले जाने वाले हैं। अभी मैं घर पे आ गया हूँ और हमने काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया था वहाँ पे, पार्टी वगैरह काफ़ी अच्छी हुई थी। फाइनली आज मुझे एक बात का बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है और वो गाइस मतलब दो साल बैठाड़ी पे गाइस आज चाहे कर पाई है। देखो गाइस सब पैक कर दिया है, रोना आ रहा है मुझे बहुत ज़्यादा। आज कैमरे पे नहीं देख पा रहा हूँ सच में, क्योंकि ये पल बड़े अटूट होते हैं और यहाँ पे आए बहुत अच्छा लगा था, मतलब बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं पता बाहर से हंस रहा हूँ पर आपको अंदर की फीलिंग मेरी पता नहीं है कि मैं क्या ऐसे मतलब फील कर रहा हूँ। दादी भी हमें साथ आ रखे हैं, दादी जाएंगी गाड़ी में। तो गाइस फाइनली रेडी हो गया हूँ, जीजा की सामान को ले जाना ऊपर। गाइस फाइनली मैं सामान ऊपर ला गया और सुनील भाई हैं यहाँ पे, उन्होंने मेरी पूरी हेल्प की। और ये मेरा सामान, ये हमारे सुनील भाई, ये हमारे जूनियर भी है और भाई भी है। सुनील भाई बहुत सामान, बहुत बहुत धन्यवाद आपका यार, आपने पूरी हेल्प कर दी। बाकी दीपक भाई लोग और सूरज भाई लोग आ रहे थे पर उनको थोड़ा दूसरी जगह जाना था सामान डालने के लिए, जो वहाँ चले गए पैठानी को। मैंने कहा फाइनली अलविदा कह रहे हो, बोलते रहे पर आएंगे दोबारा, अभी है प्रैक्टिकल भी है बचा एक, तब दोबारा आएंगे। ये हमारी गाड़ी गाड़ी टटा टट बहुत ना, ये पुलिस सुबह सुबह चिल्लाने की फिर नहीं आ रहा है। तो नरेश भाई फिर मुलाकात होगी जल्दी। नरेश भाई ने पहले भी सामान डाला था, आज भी सामान डालने के लिए आ गए। सर तो बोलते हैं नहीं, भैया भैया ही लगे रहते, ये बना के रखा है। आओ गाइस आओ, ये देखो तुम भाई साहब, अब मुझे यहाँ पे चक्कर आ रहा है, पता है
देख रहे हो, देखो खेत, देखो तुम सीढ़ी वाले खेत यार, कितने जबरदस्त लग रहे भाई। तो ये देखो आप, पूरा खुला एरिया, बहुत प्यारा एरिया है। हाँ चल लेते, काफ़ी दूर का सफ़र है अभी, यहाँ पे जाना है, पता नहीं कहाँ कहाँ जाइए। तो फाइनली गाइस खिड़सू पहुँच चुका हूँ और खिड़सू छोड़ चुका है, पीछे भी है यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे धूप भी बहुत प्यारी है, देखो तो कितना प्यारा मौसम है। अब देखो गाया कैसे ले। सो फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं ब्यूटीफुल प्लेस श्रीनगर गढ़वाल। पक्षी देखने को मिलेगा काफ़ी ज़्यादा प्यारा है हमारा पूरा श्रीनगर गढ़वाल। और फाइनली मैं उस नगरी में आ चुका हूं जहां पर मैं पहले था,